नमस्कार आप सभी को राम राम आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं बड़ी खबर है क्योंकि कुछ जानकारियां आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी होती हैं खास करके ये जो कोरोना कर्फ्यू के समय जो नई गाइडलाइंस आती हैं इन गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ चेंजेस आई हैं और वो चेंजेस बड़ी ही ज़रूरी हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ ये डी जम्मू द्वारा अभी कुछ देर पहले ही ये गाइडलाइंस निकाली गई हैं और इन गाइडलाइंस के हिसाब से एक तो पहले जिस तरह से जो जो चीज़ों को टाइमिंग दी गई थी जिस हिसाब से वो तो उस तरह चल ही रही हैं लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ों को भी इस बार रिलीफ मिला है पहले मैं आपको वही चीज़ें बता दूँ जिन जिन को अभी इस बार ऐड किया गया है उसके अंदर जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होल सेल ग्रॉसरी आइटम्स जो कि बिज़नेस टू तो बिज़नेस एक्टिविटी के लिए मार्केट होती हैं जैसे कि वेयर हाउस नेहरू मार्केट वो मंडे से लेकर सैटरडे तक छः बजे से लेकर ग्यारह बजे तक चलेंगी मंडिये शॉप्स और जो स्ट्रीट वे वेंडर्स हैं जो सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स में डील करते हैं वो भी मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह छः बजे से ग्यारह बजे तक रहेंगी मंडियों का टाइम पहले बारह बजे तक था अब वो ग्यारह बजे तक हो गया है इसके अलावा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ये भी छः बजे से ग्यारह बजे तक टाइम हो गया है ये पहले दस बजे तक टाइम था जो इसके अलावा जो बेकरी मीट और चिकन की दुकानें हैं ये भी छः से अब ग्यारह बजे तक टाइम हो गया है एक एक घंटा इसमें बढ़ाया गया है मंडी बारह बजे तक थी उसे अब ग्यारह कर दिया गया है अब जो चीज़ें ऐड हुई हैं उसमें आप सुन लीजिए जो पहले ग्रॉसरी की दुकानें रोजाना खुलती थी अब वो सिर्फ खुला करेंगी मंडे को वेडनसडे को और फ्राइडे को एक बार फिर से सुन लीजिए ग्रॉसरी की दुकानें सिर्फ मंडे वेडनसडे और फ्राइडे को खुला करेंगी डिपार्टमेंटल स्टोर्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स को खुलने की इजाज़त मिल गई है ये भी मंडे वेडनजडे और फ्राइडे इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और फ्लोरल शॉप्स ये भी खुलेंगी मंडे वेडनजडे और फ्राइडे अब आइए ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में हार्डवेयर की दुकानें सीमेंट का जो दुकानें हैं सीमेंट जहां मिलता है बिल्डिंग मटेरियल सैनिटरी गुड स्टोर और ग्लास हाउस ये खुलेंगे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को शॉप्स डीलिंग विद रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसिस ये भी खुलेंगी ट्यूसडे को थर्सडे को और सैटरडे को एक बार फिर से मैं आपको इसके अंदर जानकारी दे दूं क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है मंडे थर्सडे और फ्राइडे तीन दिन अब 6 से 11 ग्रॉसरी की दुकानें खुलेंगी जो पहले डेली खुला करती थी अब वो सिर्फ मंडे वेडनसडे और फ्राइडे को खुलेंगी डिपार्टमेंटल स्टोर्स ड्राई फ्रूट फ्लोरल शॉप्स ये इसके बाद ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे हार्डवेयर की दुकानें सीमेंट की दुकानें बिल्डिंग मटेरियल सैनिटरी गुड्स स्टोर्स और ग्लास हाउस और इसके साथ साथ ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को खुलेंगी शॉप्स डीलिंग विद रिपेयर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस जो बिजली के रिपेयर की दुकानें होती ये भी खुलेंगी इसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक जो शेड्यूल रहेगा इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक के लिए उसकी टाइमिंग दी गई है आठ बजे से लेकर दस बजे तक सिर्फ़ दो घंटे के लिए उसमें आपको मैं बता दूं वो किस किस दुकानों को टाइम दिया गया किस किस दिन सबसे पहले बुटीक और जो कॉस्मेटिक शॉप्स हैं इनको दिया गया है बुधवार का समय बुधवार का समय आठ बजे से लेकर दस बजे तक दो घंटे का टाइम दिया गया है बुटीक और कॉस्मेटिक शॉप्स के लिए थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार फर्नीचर शोरूम्स और स्टोर्स इनको टाइम दिया गया है आठ बजे से लेकर दस बजे तक कि वो अपना स्टॉक चेक कर ले जैसे जिस तरह से पहले ड्राई फ्रूट वालों को टाइम दिया था अब आते हैं शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को फ्राइडे को आर्म्स एंड एमिशन की जो दुकानें और वो दुकानें जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में डील करती हैं उनको भी टाइम दिया गया आठ से दस एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये वो दुकानें हैं जिनको अपना स्टॉक चेक करने के लिए दो घंटे का टाइम दिया गया है अलग अलग दिन के हिसाब से वो टाइमिंग है आठ बजे से दस बजे तक और वो दुकानें हैं बुटीक और कॉस्मेटिक शॉप्स वेडनसडे को फर्नीचर शोरूम और और जो स्टोर्स हैं वो थर्सडे को आर्म्स एंड एमशन शॉप्स डीलिंग विद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये फ्राइडे को ये जो इस बार चेंजेस आई हैं इस बार की जो गाइडलाइंस है उसमें वो आपको बता रहा हूँ अब जो ऑलरेडी गाइडलाइंस चल रही थी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें एक बार फिर से सुन लीजिए केमिस्ट ड्रगिस्ट बोथ रिटेल एंड होल सेलर्स डायग्नास्टिक सेंटर मेडिकल मेडिकल शॉप्स क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट्स ये डेली खुलेंगी एल आउटलेट्स और पेट्रोल पम्प एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इस्टबलिशमेंट्स डीलिंग विद एग्रीकल्चर इनपुट्स इंस्ट्रूमेंट्स उनके और जो टूल्स रहते हैं कैटल फीड एंड फॉडर शॉप्स बैंक्स ए टी एम्स एंड कैश वैन्स प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपना आई कार्ड अपने साथ रखें लेकिन प्रिंट एंड एलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आपको जी एम सी हॉस्पिटल में जाने की इजाज़त नहीं अगर आपके पास आई कार्ड भी होगा तब भी आपको हॉस्पिटल में नहीं जाने देंगे क्योंकि हॉस्पिटल की पोल हम लोग खोलते हैं इसलिए हॉस्पिटल थोड़ा सा घबराया हुआ है मैंने आपको पहले ही बताया हमारा स्वास्थ्य विभाग का अपना ही स्वास्थ्य चरमरा गया और थोड़ा वो जो स्वास्थ्य बचा हुआ था वो मेरे जैसे मीडिया कर्मियों ने अंदर जाके और बिगाड़ दिया है तो जब तक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब तक हम लोग अंदर नहीं जा सकते और मैं भी नहीं चाहूंगा यह स्वास्थ्य हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का और बिगड़े हमारे अंदर जाने से इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे एफ uh, सी और एफ एंड सी जो डीपू हैं फूड कॉरपोरेशन के वो खुले रहेंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेलीफोन टावर्स एंड अदर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर्स वो अपना आई कार्ड्स अपने साथ रखें ई कॉमर्स होम डिलीवरी ऑफ असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रेस्टोरेंट्स इन होटल्स फ्रॉम फॉर इन हाउस गेस्ट जो रेस्टोरेंट के अंदर ही जो गेस्ट हैं जो होटल्स इन्होंने रूम्स लिए हुए हैं वो खोलेंगे किचनस इंड रेस्टोरेंट एंड फूड आउटलेट्स जो कि होम डिलीवरी दे सकते हैं ढाबा इटरीज अलॉन्ग नेशनल हाईवे आउटसाइड जम्मू मुंसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स टू कैटर ट्रक ड्राइवर्स एंड क्लीनर्स जो ढाबा हैं और इटरीज़ हैं जो नेशनल हाईवे पे हैं जम्मू मुंसिपल कॉरपोरेशन के बाहर वो खुल सकते हैं ट्रक ड्राइवरों के लिए ऑल इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ये खुली रहेंगी ऑल डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ ये चलती रहेंगी इलीगल माइनिंग नहीं सिर्फ माइनिंग इसके अलावा सर्विस स्टेशन ऑटोमोबाइल्स साइकिल रिपेयर शॉप्स वेल्डिंग शॉप्स शॉप्स डीलिंग विद स्पेयर पार्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड मैकेनिकल वर्कशॉप ये खुले रहेंगे मूवमेंट ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड सैनिटेशन परसोनल बोथ बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ आई डी कार्ड्स उनको अपना आई डी कार्ड अपने साथ रखना है जी बाकी जो रूटीन वैक्सीनेशन ड्राइव चलती रहेगी जो हमें लग नहीं रही यहाँ पर लिखा तो है रूटीन वैक्सीनेशन ड्राइव लग, आपको लगेगी लेकिन वो स्लॉट नहीं मिलेगा ये लिखा नहीं है इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट असेंशियल गुड्स की वो चलती रहेगी इसके अलावा अगर कोई अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है इसलिए इन गाइडलाइंस का उल्लंघन कता ही नहीं करिए कभी नहीं करिए जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दी आपके एक बार फिर से आपके लिए मैं इस टाइमिंग को रिपीट कर देता हूँ जो टाइमिंग पहले सुबह छह बजे से लेकर दस बजे तक हुआ करती थी उसे अब एक घंटा बढ़ा दिया गया है अब वो छह बजे से ग्यारह बजे तक है दूसरा जो मंडियों की टाइमिंग छह बजे से बारह बजे तक थी उसे एक घंटा कम कर दिया गया है वो अब छह बजे से ग्यारह बजे तक है तीसरी चीज जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं उनका ही सबसे ज्यादा रश रहता है क्योंकि दस बजे तक टाइमिंग था वो ग्यारह बजे हो चुका है होलसेल की दुकानें डेली खुलेंगी जैसे वेयर हाउस है कनक मंडी है लेकिन छः बजे से लेकर ग्यारह बजे तक इसका ध्यान रखिए अब जो कुछ खास सहूलतें दी गई हैं कुछ और दुकानों को उसमें सुन लीजिए सोमवार बुधवार और शुक्रवार कागज़ पेन लेके लिख लीजिए सोमवार बुधवार और शुक्रवार मोबाइल पे भी लिख सकते हैं इन तीन दिनों में इजाजत है ग्रॉसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स को खुलने की साथ में ड्राई फ्रूट्स और फ्लोरल शॉप्स इनको खुलने की इजाज़त है अब हम आते हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मंगलवार वीरवार और शनिवार इन तीन दिन हार्डवेयर की दुकानें सीमेंट की दुकानें बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी गुड स्टोर्स और ग्लास हाउसेस ये खुले रहेंगे इसके साथ साथ जो दुकानें बिजली का काम करते हैं बिजली के सामान ठीक करने वाली दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी कब मंगलवार वीरवार और शनिवार अब दो घंटे का टाइम दिया गया है कुछ लोगों को अपना स्टॉक चेक करने के लिए वो टाइम दिया गया आठ बजे से दस बजे तक और उसमें भी दिन बांटे गए हैं पहले बुधवार किन लोगों को दिया गया है वो दिया गया है बुटीक और कॉस्मेटिक शॉप्स के लिए वीरवार फर्नीचर शोरूम और स्टोर्स के लिए फ्राइडे आर्म्स एंड एम्यूशन की जो शॉप्स हैं और शॉप्स डीलिंग विद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इनको जो समय दिया गया है वो है शुक्रवार का दो घंटे का आठ से दस इसमें वो जाएं अपना सामान बेचें नहीं सामान चेक करें तो ये है अभी तक की पूरी जानकारी जो नई गाइडलाइंस आई हैं अमित सिंह जी हमारे एक ऑडियंस में हैं जिनको वाइन शॉप की जिनको वाइन शॉप के बारे में जानना है तो अमित सिंह जी अभी वाइन शॉप बंद हैं वाइन शॉप के लिए कोई भी अभी गाइडलाइन नहीं है वाइन शॉप से मुझे याद आया जो ये लोग वाइन शॉप की बात कर रहे हैं आज मैं सुबह बात कर रहा था कि लॉकडाउन के बारे में तो लोग बोल रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग अंदर खाने को पैसा खाने के लिए कुछ नहीं है राशन के लिए पैसे नहीं है तो अब वाइन शॉप के लिए पैसा कहाँ से आएगा इसलिए जब अगर थोड़ा बहुत पैसा आपने वाइन शॉप में जाकर शराब लेनी है या कोई लीकर वहाँ पर सेवन करना है शराब का सेवन करना है तो उसकी जगह आप घर का राशन डालें घर का राशन डालें शराब छोड़िए और वाइन शॉप अगर बंद है तो अच्छी बात है बंद ही रहनी चाहिए वैसे भी डेढ़ डेढ़ -डे करोड़ रुपए के तो इनके लाइसेंस बिके हैं और किस कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस डेढ़ डेढ़ -डे करोड़ के जो लाइसेंस बिके हैं एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया सरकार को वैसे करना चाहिए था हम मैं तो अपील करूँगा गवर्नर साहब से गवर्नर साहब ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट है खूब पैसा इकट्ठा करते हैं खूब पैसा इस लीकर बिज़नेस से इतना पैसा इकट्ठा होता है इनको इनको बोलो थोड़ा सा दान करें इनको बोलो एक्साइज डिपार्टमेंट को ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है जो हमारी सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो हमारा हमारे पास गया है ट्रेजरी में गया है उस पैसे में से थोड़ा सा दान करके ना एक एक ऑक्सीजन प्लांट लगवा दें हमारे यहाँ पर जिससे लोगों की जान बच सकती है ताकि थोड़ा भला भी हो तो फिलहाल ये नई गाइडलाइंस हैं जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट द्वारा जारी की गई हैं देखते रहें जे मीडिया आशीष कोहली जे मीडिया के लिए धन्यवाद जय हिंद अपना ध्यान रखें अपने परिवार का ध्यान रखें आप सभी को मेरी तरफ से राम राम